यदि आपने जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठवीं प्रवेश परीक्षा हेतु अपने बच्चे या फिर अपनी शाला के छात्रों का ऑनलाइन आवेदन दर्ज किया है और ऑनलाइन आवेदन दर्ज करते समय इसमें कोई त्रुटिपूर्ण जानकारी अंकित हो चुकी है, तब आप 2 दिवस 30 और 31 दिसंबर 2020 को इन त्रुटिपूर्ण जानकारियों को सुधार सकते हैं। त्रुटिपूर्ण जानकारियों को सुधारने के लिए सबसे पहले आपको नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के पश्चात आपको फिर से उसी ऑप्शन पर क्लिक करना है जिस ऑप्शन पर क्लिक करके आपने कक्षा छठवीं प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन दर्ज किया था। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें एक ऑप्शन हमें दिखाई देगा, एडिट एप्लीकेशन। हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां संभवतः छात्र का एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा। जैसे ही हम इंफॉर्मेशन फिल करेंगे आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस आवेदन फॉर्म में जहां पर त्रुटिपूर्ण जानकारी अंकित हुई है उस जानकारियों में हमें करेक्शन कर लेना है। इसके पश्चात आवेदन में नीचे लास्ट में एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, सेव एंड सबमिट। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे छात्र की त्रुटिपूर्ण अंकित जानकारी सुधार कर ली जाएगी, साथ ही छात्र का आवेदन भी सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार त्रुटिपूर्ण जानकारियों को हम बहुत ही आसानी से सुधार सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि त्रुटिपूर्ण जानकारियों को हम केवल 30 और 31 दिसंबर को ही एडिट कर पाएंगे। जानकारी कैसी लगी कृपया अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।